हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में शेडिंग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से हम लाइट डार्क को ऑब्जर्व करके अच्छे शेडिंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि बेसिक शेडिंग क्या होती है, कि किस तरह से आपको पेंसिल के प्रेशर को कंट्रोल करना है, और वो अगर आपको आता है उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट्स में शेडिंग करनी है। बिकॉज अगर मान लो कोई भी हमने आउटलाइन बना ली, जब तक हम उसमें अच्छे से लाइट डार्क ऑब्जर्व करके शेडिंग नहीं करेंगे तब तक वो 3D लगेगा, तब तक ऐसा नहीं लगेगा कि पेपर के ऊपर बिल्कुल वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो वो आपने लाइट डार्क का ऑब्जर्व करके किस तरह से शेडिंग करनी है, और कुछ मेन आपको बेसिक बताऊंगा जिनको आपने ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते हुए। तो चलो गाइस, मैं आपको एक बार शेड करके दिखा देता हूँ। एक सर्कल में स्फीयर बनाते हैं उसको, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है गाइस, ये सर्कल मैंने बनाया, तो अब इसमें हम शेड करेंगे। मैं ओनली एक ही पेंसिल का यूज़ करूँगा, 2B। पेंसिल को कुछ इतने पीछे से पकड़ के, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बिल्कुल लाइटली हम शेडिंग करेंगे। सो मैं इस तरह शेडिंग करूँगा कि लाइट इधर से आ रही है तो शेडो इधर बनेगी कुछ इस तरह से, तो इसकी शेडो कुछ इस तरह से इधर बनेगी। तो अब मैं बिल्कुल लाइट पैसे से शेडिंग करता हूँ इसमें। सो मैंने एक सर्कल को शेड करके एक ही पेंसिल से लाइट डार्क किया और एक स्फीयर बनाया, यहाँ पे शेडो बनाई। तो आपको सिंपली समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे मेन चीज़, इधर से आ रही थी लाइट आ रही थी तो यहाँ पे एकदम से लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पे हाई लाइट्स होंगी, बिल्कुल लाइट शेडिंग होगी, मिड टोन्स होंगी। बट उसके अपोजिट यहाँ पे लाइट नहीं है तो यहाँ पे शेडो बनेगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ है बिल्कुल डार्क एरिया, जैसे कि ये है स्फीयर के जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे मतलब हल्की सी डेप्थ होगी, लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी तो एकदम से डार्क रहेगा, इसको ओक्लिजन शेडो बोलते हैं। और जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा कम डार्क होगा, इसको कास्ट शेडो बोलते हैं, जो कि मतलब ऑब्जेक्ट की शेप में ही बनेगी नीचे की साइड, जहाँ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट है ये मैंने डार्क किया है बिकॉज लाइट यहाँ से पड़ रही है, तो स्फीयर है तो जरूरी थोड़ी ना है कि स्फीयर के यहाँ भी लाइट पड़ेगी, यहाँ भी लाइट पड़ेगी, ओनली यहाँ पड़ रही है। तो स्फीयर का जो ये वाला पार्ट है ना, ये डार्क आएगा क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना उसके ऊपर भी शेडो आएगी, तो ये भी कोर शेडो है, और नीचे की साइड यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट, जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है आसपास की चीज़ों से। और अगर एकदम से लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे वाइट वाइट भी होगा, जिसको हम हाईलाइट बोलते हैं, वो मैंने नहीं किया है। और हाईलाइट कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है लाइट के हिसाब से। तो ये सब मैंने आपको बताया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। आपको सिंपली क्या याद रखना है, जिधर से लाइट आएगी उधर हमको लाइट शेडिंग करनी है। ठीक है, ये मिड टोन्स होगी, जो भी मतलब बिल्कुल डार्क एरिया नहीं है, यहाँ पे हाईलाइट्स हो जाएंगी, और उसके अपोजिट साइड जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है और आसपास की चीज़ों से रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी, इसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे। उसकी वजह से मतलब बिल्कुल डार्क भी नहीं है ये, ना ही बिल्कुल लाइट है। और शेडो तो आपको पता ही है, कास्ट शेडो होगी, और ये कोलिजन जो मतलब बिल्कुल ग्राउंड से टच है, यहाँ पे डेप्थ है। सो मैंने आपको स्फीयर तो शेड करके दिखा दिया, लाइट डार्क, लाइट कहाँ से आ रही है, शेडो किस तरह से बनेगी, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट ओनली ये आने से इतना ईजी नहीं है गाइज, क्योंकि अगर आप लाइट शेड को समझ गए ना, लाइट डार्क शेड को समझ गए, तो आपको ड्राइंग, आप कोई भी ड्राइंग बना लोगे। तो जो अब मैं आपको बात बताऊंगा ना, अगर आप बिगिनर हैं उसको अगर आप फॉलो करते हो, उसको फॉलो करके प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली आपको शेडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ हमने ध्यान रखनी है लाइट की, अगर हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं भी शेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर लाइट पड़ रही है तभी हम उसको शेड कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम इस रूम को शेड करना है तो लाइट डार्क ऑब्जर्व करके, क्योंकि यहाँ पे लाइट है तभी हमको चीज़ें दिख रही है। अगर लाइट नहीं होगी, जैसे मैं लाइट बंद कर दूँ, देखो अब आपको यहाँ से लाइट आ रही है इसलिए आपको दिख रहा है। अदरवाइज अगर रात होती, यहाँ पे लाइट ना होती, पूरा अंधेरा होता, तो मैं आपको कहता कि इस रूम को ड्रॉ करना है उस कंडीशन में, तो किस तरह से ड्रॉ कर पाते। बट फिर भी अगर बाहर से हल्की सी रोशनी आ रही है चांद की, तो भी थोड़े थोड़े ऑब्जेक्ट दिखते, तो हम उनको शेड करते। बट अगर अब की बात करूँ, यहाँ से लाइट आ रही है हल्की हल्की, तो काफ़ी ऑब्जेक्ट हमको फिर भी दिख रहे हैं। और अगर मैं सारी लाइट्स ऑन कर दूं, अब देखो, अब मतलब पूरे रूम के सारे ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं। तो आप काफ़ी इजीली बिल्कुल लाइटली शेडिंग करोगे, ज़्यादा डार्क भी नहीं करोगे। तो ये बेसिक चीज़ मुझे आपको समझानी है कि आपको लाइट की कंडीशन को समझना है शेडिंग करने से पहले, कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में शेडिंग करनी है, मान लो कि उसका फेस है, तो मैं आपको फेस से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ की सारी लाइट्स बंद करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी मैंने सारी लाइट्स बंद कर दी है, बस विंडो से हल्की सी लाइट आ रही है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट आपको फिर भी काफ़ी लाइट लग रहा होगा, बट ये वाला थोड़ा डार्क लग रहा होगा। अगर रात का टाइम होता
तो पूरा फेस इसका ब्लैक देता, क्या अब तक दिखता भी नहीं। तो अगर मेरे को इस कंडीशन में इसके फेस को शेड करना है तो ये वाला पार्ट काफी डार्क आएगा, ये वाला थोड़ा लाइट आएगा। अब मैं एक लाइट को ऑन करता हूँ, तो अगर अब हम शेड करेंगे तो हम अब की लाइट के अकॉर्डिंग शेड करेंगे। अगर मैं इसकी फोटो ले लूँ तो अगर मैं एक और लाइट जला दूँ, अब देखो गाइस इसका फेस और भी ज़्यादा बिल्कुल अच्छे से ब्राइट बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो अब हमको ड्रॉ करना है तो हम काफ़ी इजीली ड्रॉ कर लेंगे, ज़्यादा डार्क एरियाज को ऑप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईज नोज लिप्स सबको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। एक और लाइट ऑन करते हैं, तो अब देखो गाइस अब तो बिल्कुल ही ब्राइट सा दिख रहा है, तो हमको बिल्कुल लाइट लाइट शेडिंग करनी होगी अगर हम शेडिंग करेंगे तो। तो अब मैं क्या करता हूँ, तीनों लाइट्स को करता हूँ बंद और ओनली नेचुरल लाइट को इधर से आने देता हूँ, फिर देखते हैं कैसा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है पीयूष के फेस पे। सो गाइस अभी बिल्कुल नेचुरल लाइट आ रही है राइट साइड से, तो अब इसके फेस की कंडीशन देखते हैं। सो जो राइट वाला पार्ट है वो बिल्कुल देखो यहाँ पे हाईलाइट्स पड़ रही हैं, बिल्कुल लाइट है। बट जो लेफ्ट वाला पार्ट है यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो यहाँ पे डार्क है। तो एक फेस को मोड़िए एक बार, यहाँ ऐसे कर ले। अब देखो गाइस सामने वाला पार्ट तो इसका बिल्कुल लाइट है और जो ये पीछे वाला पार्ट होगा ये बिल्कुल डार्क होगा बिकॉज वहाँ से लाइट नहीं है। अब देखो फेस की कंडीशन और डिफरेंट हो गई है। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा, लाइट तो एक ही जगह पे है बट ये मूव कर रहा है फेस पे, लाइट की कंडीशन, शेडो की कंडीशन सब कुछ चेंज होंगे। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया हो जो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है लाइट एंड डार्क के बारे में। तो इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है कि किधर से लाइट आ रही है और ऑब्जेक्ट का कौन सा एंगल दिख रहा है और कितनी लाइट आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया जब मैंने एक ट्यूबलाइट जलाई थी तब जो फेस पे शेडो हैं वो ज़्यादा थी, डार्कनेस ज़्यादा थी, दूसरी जलाई तीसरी जलाई तो बिल्कुल ब्राइट हो गया। तो ये चीज़ की नॉलेज एक आर्टिस्ट को होनी चाहिए बिकॉज जब भी आप कोई कमीशन वर्क बनाओगे, मान लो फेस बनाना है तो क्लाइंट ने कोई फोटो दी, आपको नहीं पता है कि उसने कौन सी लाइट कंडीशन में खींची है वो फोटो और उसके डिमांड क्या है, तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए कि वो कैसे सुंदर लगेगी। सुंदर तो तभी लगेगी जब फेस पे ज्यादा शेडो ना हो, एकदम लाइट भी ना हो, एकदम डार्क भी ना हो। तो ये चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए और इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर फेस में। और ये चीज मैं आपको बोल के बता रहा हूँ तो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, या किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ कहीं भी, मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद, जब तक आपको लाइट की नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको नहीं आएगी। जितना आप बनाओगे, जैसे फेस बनाओगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेस बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइट कंडीशन में बनाओगे, तब आपको चलेगा पता कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस लाइट कंडीशन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस में अच्छा नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग में तो आपको ये ऑब्जर्व करना है। सो जैसे जैसे आपको लाइट की नॉलेज होगी ना, लाइट की कंडीशन की नॉलेज होगी ना, आप अपने आप ही सीख जाओगे। फिर आपको ज़्यादा रेफरेंस ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने अकॉर्डिंग ही किसी रेफरेंस को बिल्कुल, अगर फोटोग्राफ खींची है ना तो फोटोग्राफ तो मान लो बिल्कुल अजीब सी लाइट कंडीशन में खींची है, जैसे यहाँ पे तो तीन तीन ट्यूबलाइट हैं 36-36 वॉट की, ठीक है, बट नॉर्मली घर में नहीं होती, एक ट्यूबलाइट होती है तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। यहाँ तो अच्छी आ रही थी, जैसे कि आपने देखा पीयूष का फेस कितना ब्राइट दिख रहा था, तो अगर मैं उसमें फोटो खींच के बनाऊँ तो ठीक रहेगा, बट अगर मैं एक ट्यूबलाइट बनाऊँ तो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो जब भी अगर मान लो आपको कमीशन वर्क मिलता है तो जरूरी थोड़ा ना उसने किस लाइट कंडीशन में खींची है कि आपका फेस पे बिल्कुल डार्क डार्क सा हो, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सुंदर बना के दो। और अगर मैं बात करूँ बिल्कुल नेचुरल सनलाइट की जो कि यहाँ पे पड़ रही है बिल्कुल तेज धूप, तो इसमें देखो बिल्कुल हाईलाइट सी पड़ रही है, यहाँ पे डार्क सा है। तो बस यही कुछ आपको समझाना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब हम भी कुछ ऑब्जेक्ट में शेडिंग करते हैं और मेरी प्रैक्टिस जाएगी, कुछ पेंसिल से लेते हैं कुछ ड्राइंग्स तो बनाते हैं, आपको दिखाता हूँ, कुछ समझाना होगा समझा दूंगा, तो चलो बनाते हैं। तो गाइज अभी मैं बनाऊंगा एक बॉटल और उसमें शेड करेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो गाइज अब मैं शुरू कर रहा हूँ सीधा 10B से, बिकॉज मैं आइवरी पेपर यूज़ कर रहा हूँ तो इस पर डार्क से डार्क पेंसिल यूज़ करनी पड़ती है, बिल्कुल प्रेशर का अप्लाई करके तब डार्क हो पाता है। तो मेरे पास प्रैक्टिस के लिए यही पेपर पड़े हैं, तो वेस्ट करने से बढ़िया इसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। रफ पेपर कार्ट्रेज पेपर में डार्क करने में ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ते, आपको 10B की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर 6B या 8B से ही काफ़ी डार्क कर सकते हैं, बट आइवरी में या फिर स्मूथ पेपर में किसी में भी आपको डार्क पेंसिल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं डार्क एरियाज़ को ही एकदम से डार्क कर रहा हूँ। अगर आपके पास आर्ट लाइन की 10B भी है तो उससे भी आप कर सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो रखी है इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप ना इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करके
ट्राई करना, पहले 6B से ट्राई करना, फिर 8B से, फिर 10B से, एक ही पेंसिल से कंप्लीट बनाने की कोशिश करना। और हाँ, स्टार्टिंग में आपको ब्लेंडिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से लाइट डार्क शेडिंग करनी है। ब्लेंडिंग क्या होता है, क्यों करते हैं, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। पेंसिल को मैंने बिल्कुल अच्छे से शार्प कर लिया है, तो लाइट भी शेडिंग इसी से कर लेंगे, तो मैं इसी पेंसिल से इसको कंप्लीट शेड कर लूँगा। आप भी ट्राई करना ओनली एक डार्क पेंसिल से कंप्लीट ऑब्जेक्ट को शेड करने की। देखो, जैसे पहले मैंने एक बॉटल शेड की, तो उसमें मुझे आइडिया हो गया कि मेरे को कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में, बिकॉज आइवरी मैंने बहुत टाइम बाद यूज़ किया है। तो उस हिसाब से मैं, आप देखो, ओनली 10B पेंसिल से कितनी जल्दी जल्दी शेडिंग कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको भी ऑब्जर्व करके अप्लाई करनी है कि आप जौन सा पेपर यूज़ कर रहे हो उस पर कौन सी पेंसिल किस तरह से चल रही है, कौन सी पेंसिल से आपको इजी हो रहा है बनाने में, शेड करने में। ये चीज़ आप पकड़ लोगे ना, तो आप नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ को फिर देखो कि ओनली एक पेंसिल से कर सकता हूँ क्या, जो गलती मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाने में की वो सेकंड में नहीं करनी है। तो ऐसे करके हम सीखते हैं। ये तो मैंने जो पहले बॉटल बनाई थी उसमें मैंने पहले शेडिंग की थी मैकेनिकल पेंसिल से 4B की लेड से, फिर मैंने उसमें 6B पेंसिल का भी यूज़ किया था, फिर 10B का भी यूज़ किया था। तो उसमें मैंने तीन पेंसिल्स बदल बदल के यूज़ की, मुझे समझ में आया कि कौन सी पेंसिल से किस तरह की शेडिंग हो पा रही है, किस में कितना टाइम लग रहा है, ये पेपर की क्वालिटी कैसी है, इस पर किस तरह से पेंसिल की शेडिंग हो पा रही है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। पेपर पर ड्रॉ करने से पहले ये चीज़ देख लो किस तरह से शेडिंग हो पा रही है, इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और पेंसिल चूज़ करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तभी आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट हैं वो एक ही पेपर यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है किस पेंसिल से कैसे रिजल्ट मिलने हैं। उनकी हर ड्राइंग में सेम रिजल्ट मिलते हैं उनको, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी पेंसिल से किस तरह शेडिंग हो पा रही है जो पेपर वो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको हर टाइप का पेपर यूज़ करना चाहिए, देखना चाहिए उसका टेक्सचर कैसा है, उस पर किस तरह शेडिंग हो पा रही है। स्टार्टिंग में तो प्रैक्टिस के लिए मैं आइवरी पेपर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं 10B से अगर मैं 6B का भी यूज़ कर रहा हूँ, 8B का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे डार्क, और शेडिंग करने में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। एंड शेडिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना कि किस तरह से पेंसिल को पकड़ना है, किस तरह से शेडिंग करनी है। क्योंकि अगर आप बिगिनर तो स्टार्टिंग में आपसे ऐसी शेडिंग नहीं हो पाएगी, आप प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बीच में पैचेस दिखेंगे, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है वो वाली वीडियो देख लेना। तो ये जो मैं जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पे वाइट, यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, जैसे कि मैंने ये जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे छोड़ रखी है। इस पेपर पे डार्क करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बिकॉज मुझे प्रेशर अप्लाई करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो बिना प्रेशर अप्लाई करे बिल्कुल डार्क होगा भी नहीं, तो मैं प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ फिलहाल। तो अगर कोई कार्ट्रेज पेपर होता तो उसमें एकदम से डार्क हो जाता, तो लेफ्ट साइड में मुझे पूरा डार्क करना है, तो प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो इसमें राइट साइड से लाइट आ रही है, इसलिए मैं लेफ्ट साइड में डार्क कर रहा हूँ, और शेडो भी उसी साइड आई है। तो अभी मैं एक और कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूँ उसी 10B पेंसिल से, तो दो तीन और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। और इसको बनाने में गाइस बहुत टाइम लग रहा है, एक एक ऑब्जेक्ट को बनाने में मुझे पूरा एक घंटा लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं 10-15 मिनट में बना ले रहा हूँ, पूरा एक एक घंटा लग जा रहा है, क्योंकि शेडिंग हमको बिल्कुल स्लोली करनी पड़ती है, ऑब्जर्व करके डार्क एरियाज, लाइट एरियाज। तो सिंपली मैंने इसमें 6B और 10B पेंसिल का यूज़ किया है। तो जैसे कि मैं अभी ये बना रहा हूँ, देखो इसमें मैंने बिल्कुल लाइटली शेडिंग की है, बट ये समझ में आ रहा है कि 3D लग रहा है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इसी तरह से शेडिंग करनी है। सबसे पहले तो ज़्यादा डिटेल पे फोकस मत करना, बिकॉज सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि आप ऑब्जेक्ट में बिल्कुल 3D शेडिंग कर पा रहे हैं या नहीं, और वो आप नॉर्मल एक ही पेंसिल से कर सकते हैं लाइट डार्क। बस ऑब्जर्व करना है लाइट किधर है, डार्क किधर है, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से देखो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट फास्ट कर रहा हूँ मैं। इससे ये समझ में आता है सबसे पहले तो कि 3D ऑब्जेक्ट है,
क्योंकि मैंने इस तरह से इसमें शेडिंग की है, लाइट डार्क किया है, हाईलाइट्स रखे हैं, तभी आपको समझ में आ रहा है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है, बस डिटेलिंग वाला पार्ट इसके बाद आता है। सबसे पहले तो आपको इसी को अचीव करना है, बिकॉज अगर आप बेसिक शेडिंग कर पा रहे हो लाइट डार्क, तभी तो आप डिटेलिंग कर पाओगे। मैं कोई भी टेक्सचर नहीं बना रहा हूँ अभी, देखो सिर्फ लाइट डार्क ही कर रहा हूँ, फिर भी समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। इसको अभी और भी डार्क कर सकते हैं, डार्क एरियाज, बट जो मैंने आपको मेन समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। तो एक तो मैंने ये बॉटल बनाई, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये चेयर बनाई। तो मैंने कुछ आज इतने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और इनको बनाने में मुझे पूरे 4 घंटे लग गए हैं टोटल। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एक ऑब्जेक्ट भी डेली का बनाओ, तो उसमें शेडिंग करो अच्छे से, तो बहुत है डेली का अगर एक भी करो तो। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको शेडिंग करनी है, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, जितनी ज़्यादा करोगे उतना आप इंप्रूवमेंट डेली डेली आता रहेगा। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर जाना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इंप्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखो गाइस, इसका फेस काफ़ी क्लियरली, यार मुंह जीभ जाप क्यों निकाल, आराम से बैठ नहीं सकते।